बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं दोस्तान मोहतरम अपने रोज़ प्लांट के करीब खड़ा हूँ, जिस पर मैंने तकरीबन 8 से 10 वैरायटी की मुख्तलफ रोज़ जो हैं उनको ग्राफ्ट किया हुआ है। और दोस्तान मोहतरम उस की आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। ये देख लें, माशाल्लाह से मैंने चिप बडिंग लगाई थी इस पर, तकरीबन आज 4 से 5 मंथ हो चुके हैं। मार्च के मंथ में मैंने ये ग्राफ्टिंग की थी और कुछ मैंने जो प्लास्टिक है उसको रिमूव कर दिया था, और कुछ जो दोस्ताने मोहतरम में वो प्लास्टिक रिमूव नहीं की थी। उसमें से आज मैं एक दो रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जोड़ लग चुका है। और आज एक बहुत ही अहम बात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि अगर आप प्लास्टिक की पट्टी को ज़्यादा देर तक रहने देते हैं तो फिर आपका नुकसान क्या होता है। तो ये आपको वीडियो में शायद नज़र आ रहा होगा कि ये जो जोड़ है ये तो काफ़ी देर पहले लग चुका था, लेकिन ये मेरी कम टाइम होने की वजह से मैं इसका प्लास्टिक रिमूव नहीं कर सका। तो ये प्लास्टिक जो है वो अंदर की तरफ जो है वो डंस चुका है, जिसकी वजह से दोस्ताने मोहतरम ये ग्राफ्टिंग जो है वो टूट भी सकती है। अगर इसको एक दो मंथ और मैं ऐसे ही रहने देता तो ये ग्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से डैमेज हो जानी थी, और मेरी मेहनत जितनी भी मैंने इस पर की थी वो सभी रायगां चली जानी थी। आपने दोस्ताने मोहतरम जब 2 से 2.5 महीने हो जाएं ग्राफ्टिंग किए हुए, तो उसके बाद आपने इस प्लास्टिक को रिमूव ज़रूर करना है। अगर आपने रस्सी बांधी है या फिर आपने प्लास्टिक ही क्यों नहीं बांधी, उसको रिमूव ज़रूर करना है, वरना ये अंदर की तरफ जो है वो दंस जाती है, जिसकी वजह से आपकी ग्राफ्टिंग की जो ब्रांच है वो टूट जाती है और आपका जो आपकी मेहनत सभी रायगां जाती है। ये तकरीबन आज 5 से 6 मंथ हो चुके हैं, मैंने मार्च में ग्राफ्टिंग की थी और ये सितंबर का महीना चल रहा है। तो मैंने बहुत सारी जो इस पर ग्राफ्टिंग की थी, इसलिए चंद एक के जो मैंने पॉलीथीन वो रिमूव कर दिए थे, और बहुत सारी जो ग्राफ्टिंग है वो अभी भी उनकी प्लास्टिक रिमूव करने वाली रहती है। तो इस पर मैंने चाइना जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उसकी मैंने ग्राफ्टिंग की हुई है, मुख्तलिफ कलर के रोज़ जो ब्लैक में, रेड में, और बहुत सारी इसकी वैरायटी है। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये देखें, बड़ी मुश्किल से ये हाथ से जो है वो प्लास्टिक रिमूव होती है। मेरे पास इस वक्त कोई औजार नहीं था, मैं जस्ट ओनली अपने पौधों को देख रहा था और मेरी नज़र इस ग्राफ्टिंग पर पड़ गई, तो मैंने सोचा कि इसको रिमूव कर दिया जाए। ये देखें, ये हाल होता है अगर आप ग्राफ्टिंग की जो पट्टी है उसको जल्दी रिमूव ना करें। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं नज़दीक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी रस्सी बिल्कुल इसके अंदर दंस चुकी है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ्टिंग हमारी बच जाएगी। ये मैंने सभी चिप बडिंग ग्राफ्टिंग की है ज़्यादातर, इस पर कुछ कलमें भी लगाई थी, तो वो माशाल्लाह से तकरीबन इस पर 15 से 20 मैंने ग्राफ्ट लगाए थे। 8 से 10 जो वैरायटी थी, 2-2, 3-3 ग्राफ्ट हर वैरायटी के लगाए थे ताकि सभी वैरायटी मेरे पास मौजूद हों। तो जब मार्च का महीना था तो वो ये पौधा देखने के काबिल था। ये तकरीबन 3 से 4 साल पुराना पौधा है और इस पर बेशुमार फ्लावर आते हैं। ये देख लें, ये पहले जो क्वालिटी थी रेड रोज़ की थी, खुशबूदार जो फूल होते हैं, तो वो दोस्ताने मोहतरम अभी 1-2 फूल इस पर निकले हुए हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है, गर्म मौसम होता है, तो फूल बहुत कम निकलते हैं, गर्मी की वजह से ये फूल झड़ जाते हैं। तो जब सितंबर अक्टूबर का मंथ आता है तो फिर दोबारा ये वैसे ही जैसे मार्च के मंथ में फूल निकलते हैं उसी तादाद में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये नए बड निकाल रहा है ये पौधा, और चंद दिनों के बाद इस पर बेशुमार फ्लावर निकल आएंगे। तो ये देखें, मैंने एक और ग्राफ्टिंग की प्लास्टिक को रिमूव कर दिया है, इसका भी जोड़ बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। ये काम मैं दोस्ताने मोहतरम आज से कोई 3 महीने पहले भी कर सकता था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ये ग्राफ्टिंग थोड़ी सी लेट हो गई, इसका रिमूव करना कवर। बहर कैफ अभी तक ये हमारे पास ठीक हालत में मौजूद हैं, तो अब ये इन शाखों को कुछ नहीं होगा, ये जो ज़ख़म बने हुए हैं ये भी भर जाएंगे थोड़े दिनों तक। तो दोस्ताने मोहतरम, आज की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ यही शेयर करनी थी कि आपने 2 से 2.5 महीने के बाद इस प्लास्टिक की पट्टी को जब देखें कि ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हो चुकी है, तो आपने इसको रिमूव कर देना है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बात अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी तो आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।